मैं ये मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि है अष्टमी मॉर्निंग मेकअप लुक। हम बंगालीज में अष्टमी मॉर्निंग में हम दुर्गा माँ के आगे अंजलि देने जाते हैं पेंडल में, तो उस टाइम बहुत सज सबड़ के हम जाते हैं। मैक्सिमम लोग उस दिन साड़ी पहनते हैं और मैंने भी ये मेकअप लुक साड़ी के साथ वेयर किया है। अगर आप दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन माँ के सामने अंजलि देने जाते हो तो आप भी ये मेकअप लुक ट्राई कर सकते हो अगर आपको पसंद आते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ जो रेड कलर वाली सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑलरेडी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं फेस को मॉइस्चराइज करके देन मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पर इनसाइड का प्राइमर लिया है, इसे मैं पूरे फेस पर अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। देन उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर लैक्मे का इनविजिबल फाउंडेशन लिया है, उसके साथ ही जो एप्लीकेटर आता है उसी से मैं फाउंडेशन को पूरे फेस पर एंड नेक पर भी अप्लाई करके देन एक ब्रश की हेल्प से मैं पूरे फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद देन मैं अप्लाई करूंगी कॉन्सीलर। उसके लिए मैंने एनोएवे के कॉन्सीलर स्टिक लिया है जिसका शेड नंबर है गोल्डन। उसे मैं अपनी अंडर आई पर, अपनी नोज पर, अपनी फोरहेड पर, अपनी क्यूपिड बो चिन पर एंड लिप्स के दोनों पास एंड मैं आईलिड पर भी अप्लाई करूंगी। देन एक कॉन्सीलर ब्रश की हेल्प से मैं कॉन्सीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी। कॉन्सीलर ब्लेंड हो जाने के बाद मैं फेस पर क्रीम कंटूर अप्लाई करूंगी। उसके लिए मैंने एनोएवे के ही कॉन्सीलर स्टिक लिया है जिसका शेड नंबर है टोस्ट। उसे मैं अपनी हॉल ऑफ द चीक्स पर, अपनी फोरहेड पर, अपनी नोज पर एंड अपनी जॉ लाइन पर अप्लाई करके देन एक ब्रश की हेल्प से मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी। एंड नोज पर मैं अपनी फिंगर से ही ब्लेंड करूंगी क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए। देन अपनी बेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट लिया है। उसको पहले मैं अपनी जो जहाँ जहाँ कॉन्सीलर अप्लाई किया था उसके ऊपर पहले अच्छे से अप्लाई करूँगी। देन पूरे फेस पर एक पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर सूज ब्यूटी का ब्लश एंड कॉन्ट्रोल पैलेट लिया है, उसमें से जो कॉन्ट्रोल शेड है उसको लेकर मैं जहाँ जहाँ क्रीम कॉन्ट्रोल किया था उसके ऊपर अप्लाई करूँगी पाउडर कॉन्ट्रोल। देन उसी पैलेट में से एक लाइट पिंक शेड लेकर एज अ ब्लश मैं अप्लाई करूँगी एंड देन अपनी बेस को सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर अप्लाई किया है। अभी मैं करूँगी अपनी आई मेकअप। पहले मैं ये स्किन सा शेड लेकर अपने पूरे आईलिड पर अप्लाई करूँगी, देन ये रेड वाला शेड लेकर एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं पूरे क्रीज पर अप्लाई करूँगी, देन ये लाइट ऑरेंज शेड लेकर वो रेड वाली शेड को मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड देन मैं पिकअप करूँगी ये येलो वाला शेड, उस ऑरेंज शेड के ऊपर मैं अप्लाई करूंगी एंड उस ऑरेंज शेड को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी। अभी मैं कॉन्सीलर की हेल्प से एक फुल कट क्रीज ड्रॉ करूंगी। इसके लिए भी मैंने एनोएवे के ही कॉन्सीलर स्टिक लिया है। देन कॉन्सीलर को अपने फिंगर से ही मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी। देन मैं जो येलो वाला शेड लिया था उसे ही मैंने लेकर अपनी इनर थर्ड पोर्शन पर अप्लाई करूंगी एंड नेक्स्ट मैं ये लाइट ऑरेंज शेड लेकर मिडिल लिड पर अप्लाई करूंगी येलो वाले शेड के साथ ब्लेंड करते हुए एंड देन मैं ये डीप ऑरेंज शेड लेकर अपनी आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूंगी एंड फिर मैं एक क्लीन ब्रश लेकर अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी। देन ये शिमर वाला शेड लेकर मैं अपनी इनर कॉर्नर एंड ब्रा बोन को हाईलाइट करूंगी। देन लाइट ऑरेंज एंड रेड को एक साथ मिक्स करके मैं लोअर लैश लाइन के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं आईलाइनर अप्लाई करूंगी एक लॉन्ग सा विंग बनाते हुए, इसके लिए मैंने एनोएवे के आईलाइनर लिया है। देन मैं काजल अप्लाई करूंगी, इसके लिए मैंने लैक्मे का आइकॉनिक काजल लिया है, अपनी लोअर वाटरलाइन पर अप्लाई किया है। देन मैं अपनी आईब्रो को करूंगी, आईब्रो के लिए मैंने यहाँ पर म्यूजिक फ्लावर का ब्राउन जेल आईलाइनर लिया है।
पहले मैं आईब्रो की आउट जो आउटर लाइन है उसे ड्रॉ करूंगी, देन मिडिल पोर्शन को फिल करके एक स्पूली की हेल्प से मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी ताकि प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड हो जाए। देन मैं यहाँ पर मास्कारा अप्लाई करूंगी। मास्कारा के लिए मैंने यहाँ पर मेबलिन का मास्कारा लिया है। ऑफ कैमरा मैंने फॉल्सेस भी अप्लाई कर लिया है। देन मैं स्विच ब्यूटी का ही ब्लश एंड कंट्रोल पैलेट से जो हाइलाइटर शेड आता है उसको लेकर मैं अपने फेस को हाइलाइट कर रही हूँ, जैसे कि मेरे चिकबोन पर, मेरे फोरहेड पर, नोज पर, क्यूपिड बो पर एंड चिन पर। एंड लास्ट मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी, जिसके लिए मैंने एनोएबे के लिप क्रेयॉन लिया है जिसका शेड नंबर है 1। सो दैट्स इट, माय मेकअप इज कम्प्लीटली डन। सो गाइस, ये है मेरे फाइनल मेकअप लुक। आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेकअप लुक पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड उसके पास जो बेल बटन है उसे भी हिट कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।